टेस्टी खीर। आज मैं ये मेवा लेके टेस्टी खीर बन लेके आई हूँ। तो टेस्टी खीर हमने थोड़े से चावल लिए थे और चीनी लिया था और मेवा भी लिया था और मैंने इसको खीर को बनाया था चावलों से। तो चावल बना के मैं दूध में पका चुकी हूँ। पहले दूध से डालती हूँ, उसके बाद में चावल धुल के डाल देती हूँ और बस चलाती जाती हूँ। जब जब बार बार बीच बीच ये देखिए बन रहे हैं चावल हमारे और इसमें टेस्टी खीर बना रही हूँ। तो बस मैं इसको चीनी को भी बीन के रख लिया है। इसमें कूड़ा करकट ना पड़े, कोई कूड़ा करकट ना हो। तो इसको मैं मेवा भी काट के रख लिया है, कट करके रख लिया है। तो गरी और किशमिश और चिरौंजी और इसमें काजू वगैरह ये काट करके रख लिए हैं। तो मैं इसको खीर को ये काजू में काट रही हूँ। तो मैं इसको खीर को भी चलाती जा रही हूँ। मेवा भी काट के कट करके रख लिया है और चीनी भी बीन के रख लिया है। इसमें कहीं चीटा चीटी आ जाते हैं तो उसको भी देख सुन के रखती हूँ। बस मैं इसको चलाती जा रही हूँ। घर का खाना बहुत शुद्ध और बहुत टेस्टी रहता है, इसी वजह से वो बहुत अच्छा रहता है। तो मैं इसको देखिए चावल अब गलने वाले हैं। और बस जब चावल घुट जाते हैं थोड़े थोड़े दूध में चावल मिल जाते हैं, उसके बाद ही में खीर बनके तैयार होती है। तो दूध में चावल बन घुलने वाले हैं और बस ये बनाते जा रहे हैं। तो ये खीर टेस्टी भी फिर बन जाती है और ये बूढ़े बच्चे सब पसंद भी करते हैं और खाने में बहुत टेस्टी भी रहती है और मीठी भी रहती है। और इसको फ्रिज में रखने के बाद में खाओ तो बहुत टेस्टी रहती है और गर्मियों में। तो खीर भी बना चुकी हूँ। तो ये देखो काजू भी छोटे छोटे तोड़ के रख रही हूँ। और देखिए अब ये गलने वाले चावल जब तक गलते नहीं हैं तब तक मैं इसमें बार बार चलाती रहूँगी और खीर को बार बार चलाती रहूँगी ताकि इस वजह से कि ये भगोने में नीचे से लग जाते हैं। इसमें एक वो मुनक्का डाल दिया था तो मुनक्का ये बहुत देर तक में फूलता है। तो बार बार इस मुनक्के को देखती हूँ कि मुनक्का फूल के बहुत बड़ा हो जाता है। तो मुनक्का डाला था इसमें। तो ये मुनक्का को देखिएगा अभी फूला नहीं है दूध में। ये बहुत देर में आधा घंटा या एक घंटा दूध में गर्म करो तो मुनक्का फूलता है। तो मैंने खीर में एक मुनक्का डाल दिया था तो वो मुनक्का हम बार बार इसको ढूंढ रही हूँ इसमें खीर में कि खीर में मुनक्का मिल जाए तो हम इसको खीर में मुनक्का मिल जाए तो हम इसको देखती हूँ कि मुनक्का कितना बड़ा होता है। ये फूलने में एक घंटा दूध में आधा घंटा लगता है। दूध खौलाते रहिए और मुनक्का डाल दीजिए तो उसके बाद में मुनक्का बहुत देर में उसमें फूलता है। तो ये खीर पूरी बन चुकी है और मुनक्का फूला नहीं। देखिए अभी भी नहीं फूला, थोड़ा सा फूला है और चावल पूरे गल चुके और साथ ही में डाला था शुरुआत में। तो बस ये खीर इसी वजह से बार बार चलाती जा रही हूँ, देखती जा रही हूँ कि मुनक्का फूला कि नहीं फूला, फूला कि नहीं फूला। तो ये देखते हैं और इसको खीर भी चलाती जा रही हूँ कि और सब्सक्राइब भी आप लोग करें मेरे वीडियो को तो देख सकते हैं। तो मैं इसको दूध चीनी निकाल लिया है, चीनी के डब्बे में से चीनी निकाल लिया है। चीनी थोड़ी सी कम रह गई थी
तो इसमें थोड़ी और बढ़ा दिया है चीनी, तो बस तो चीनी अभी डाल देंगे इसमें तो थोड़े और पक जाए। अभी थोड़ा गलने में टाइम है और अब मैं इसमें गरी डाल देती हूँ, गरी और मेवा सारी ऐड कर देती हूँ। जे देखिए डाल दिया है हमने, अब डाल के चला दूँगी। मेवा सारी पड़ चुकी है, अब थोड़ी ये मेवा भी पक जाए उसके बाद में सबसे बाद में चीनी डालेंगे, कि चीनी डालने से बस फिर चावल ज़्यादा गल जाते हैं, तो सब जब गैस बंद कर देंगे तब चीनी डालेंगे। तो अभी चाय नहीं डाल रहे हैं तो मेवा भी वैसी हो जाए, थोड़ी घुल मिल जाए, और बस घुल मिल जाए तो मेरी खीर बनके तैयार हो जाएगी। तो देखिए मेवा कैसी चमक रही है, अब हम इसको चलाते जा रहे हैं। अब हम और गल भी गई है, अब गल गई है खीर, और खीर बनी भी चुकी है। अब हम इसको एक बाउल में परस के रख लूँगी, तो ये बच्चे बूढ़े सब बहुत पसंद करते हैं। तो आज खीर बनाई थी तो मैंने सोचा कि वीडियो भी डाल दें, तो मैं खीर का वीडियो बना लिया था, तो मैं चीनी भी ऐड कर दिया है। अब इसको चला करके मैं गैस भी बंद कर दूँगी और खीर बनके तैयार हो गई। देखिए गैस भी बंद कर दिया, अब बस खीर बनके तैयार हो गई है। और इसको चला दें ज़रा देर और बस मिल गई, ताकि इस चीनी को ढंग से मिल सके, ये खूब अच्छी तरीके से मिल सके। तो मैं इसको चीनी को अच्छे से घोट रही हूँ और वापसी बन गया है मेरा खीर। तो फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर। शाबाश, दूने दूने के राम नाम। अब देखिए बन चुकी है, मैं भी अभी भी चलाए जा रही हूँ ताकि ये चीनी घुल सके। तो चीनी तो खुल गई है, अब मैं इसको एक बर्तन में पलट के भी रख दूँगी। अभी पटाख चीनी छटपट पटपट खट खट नट नट पट पट ना, कितनी देर चलाएगी तू। देखिए खीरे है, मन चलाया अभी जाके थोड़ी सी परस के खा लेंगे जाके, छम छम जमा जम बरसेगी नगरिया। देख सब्सक्राइब करें प्लीज़ मेरे चैनल को, लाइक करें और मेरे वीडियो पे रोज़ आप लोग आते रहिएगा। बाय, और वीडियो तो अच्छा लगे तब लाइक करिएगा। और ये घर का अच्छे से मैं इसको बना चुकी हूँ, और ये देखिए बुड्ढे ओबारे और सब बहुत टेस्टी लगती है। ये दूध की खीर है तो इसको खाने से बहुत लाभकारी होता है, इसको एनर्जी भी मिलती है। ये मैं खीर बना चुकी हूँ और उसके बाद में फ्रिज में रख दूँगी। ये ठंडी खीर अच्छी लगती है और इसको गरम गरम खाने से इतना नहीं अच्छा लगता है, इसको ठंडी खीर खाने में बहुत अच्छी लगती है। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और मेरा खीर तो तैयार हो चुकी है, और आप लोग भी सब लोग सारे लोग इकट्ठा हो जाएं, सब लोग खा लें खीर आके।
और बजे हैं और बात थी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।